हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई न्यूज़। खालिस्तानियों के जनमत संग्रह पे जब शांत बैठ ही रही कनाडा की सरकार, तो भारत सरकार ने जब रिक्वेस्ट करी कि ऐसे उपद्रवी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, तो कनाडा ने उसे इग्नोर किया। अब जब सरेआम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कनाडा के राष्ट्रपति को खुलेआम धमकाया, तो उसे अब भारत की याद आ रही है। अब वो भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, भारत को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अब इसे कनाडा के कर्मों का फल कहिए या और कुछ, कि अब जब चीन ने कनाडा को धमकाया तो अब कनाडा भारत को खुश करने में लगा है, जिसके तहत अब वो भारत से अच्छे और मजबूत रिश्ते चाहता है, जिसके क्षेत्र में वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए और भारतीय नेवी के साथ काम करने के लिए अपने बजट को बढ़ाने के लिए भी तैयार है, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, और भारत और कनाडा के मजबूत और अच्छे संबंध चाहता है, जिसको लेके वो भारत सरकार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इसी कड़ी में कनाडा ने अपना एक रणनीतिक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिस डॉक्यूमेंट्स में कनाडा ने करीब करीब 27 बार भारत का नाम लेते हुए ये कहा है कि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है, पार्टनर है, और भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे सैन्य रिलेशन। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई होगी, और आप लोगों का इस रिपोर्ट पे क्या विचार है, क्या हमें कनाडा के साथ मजबूत रिलेशन बनाने चाहिए या फिर कनाडा को थोड़ा और सबक सिखाना चाहिए, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।